बबलू डब्लू पार्क में आज बहुत शांति है। बच्चे अपनी दोपहर की नींद ले रहे हैं। हेलो बच्चों, हेलो कोच, तुमने ये सब क्या पहना हुआ है? हेलो कोच डमरू, ये सब आखिर किस लिए है? ये मच्छरों से बचाव के लिए। हमने मच्छरों का आतंक देखा। हाँ, ये सच है। मेरी नाक देखिए, कोच डमरू कितनी बुरी तरह से काटा है। कोच डमरू, मेरे हाथ देखो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। निको, पहले इसका कोट उतारो। चलो सब इसे हवा करो। अब मुझे अच्छा लग रहा है। बच्चों, मच्छर एक तरह के कीड़े होते हैं। वो काटते हैं और कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तुम सबने अच्छा किया, लेकिन तुम लोगों का तरीका गलत था। तुम लोगों को अपने आप को इस तरह से बांध के रखने की कोई जरूरत नहीं है। मच्छरों के काटने से पहले तुम गर्मी से परेशान हो जाओगे। कुछ डमरू, क्या कोई और बेहतर रास्ता है? हाँ, चलो मेरे साथ आओ। आस पास इकट्ठा हो जाओ। ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये नीम की पत्तियाँ है, एक तरह की जड़ी बूटी। ये बहुत मामूली दिखती है, पर असल में बहुत काम की चीज है। ये बैक्टीरिया को खत्म करती है और इसे हम खा भी सकते हैं। अरे रुको 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 रुको, अभी मत खाओ।
देखो इन पत्तियों को सर्दियों और वसंत के मौसम में खाया जा सकता है, तब उसकी पत्तियाँ नाजुक और स्वादिष्ट होती हैं। ये सही मौसम नहीं है। इसकी महक तो वाकई में काफी तेज लग रही है। हाँ सच में, इसकी तेज महक की वजह से मच्छर दूर रहते हैं। कोच डमरू, हम पत्तियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। इन पत्तियों को ढूंढते वक्त बहुत सावधान रहना बच्चों, और बहुत दूर मत जाना, समझ गए? कोच डमरू। क्या हुआ? मुझे नीम की पत्ती मिली, पर बड़े ने कहा ये कुछ और है। क्योंकि इसकी महक अलग है और दिखने में एक जैसे है। कोच डमरू, क्या आपको पता है ये कौन सा पौधा है? ये वो पत्ती नहीं है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। असल में ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इससे मच्छरों को नहीं भगा सकते, इसकी महक उतनी तेज नहीं है। थैंक यू सर, अब मुझे पता चला। बहुत बढ़िया, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। अब चलो चल के मच्छरों से लड़े। मच्छर जा चुके हैं और तुम्हारा कमरा भी साफ हो गया है, अब तुम सब आराम से सो सकते हो। ये आप सबसे अच्छे हो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू कोच डमरू, बाय। आखिर मैं यहाँ आ ही गया। हाँ, इस गंदे तालाब में क्या है? राजकुमार लल्लू, चलो चलकर देखते हैं। राजकुमार लल्लू, समझ गया ये मच्छर आए कहाँ से हैं। देखो पानी के गड्ढों में ये मच्छर पलते हैं। इन्हीं गड्ढों के पानी में मादा मच्छर अंडे देती है। पहले तो ये लार्वा के रूप में होते हैं, जो कुछ वक्त में बड़े मच्छर बन जाते हैं। लार्वा? ये बड़ा अजीब सा नाम है। ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं, यूँ समझो कि बस एक दो हफ्ते में ही ये अंडों से निकल कर पूरे बड़े मच्छर बन जाते हैं। वो बहुत तेज है, पर पत्तियों से इनसे पीछा कैसे छुड़ा है? हाँ, नीम की पत्तियाँ उन्हें भगा सकती है, लेकिन मार नहीं सकते। तो हम क्या करें? फिक्र मत करो बच्चों, हम सब मिलके सारे गड्ढों को भर देंगे। जब गड्ढों में पानी नहीं होगा तो लार्वा मच्छर नहीं बन पाएंगे, समझ गए तुम सब ना? हाँ। बच्चों बारिश के मौसम में हमें अपने गमलों से सारा पानी बाहर निकाल देना चाहिए। आराम से देख कर चलो। कोच डमरू, हमारा हो गया। बहुत अच्छे। हमारा भी हो गया। बहुत अच्छा राजकुमार लल्लू। हो गया, चलो अब मच्छरों से छुटकारा मिला। ये! हाय दोस्तों, गंदे पानी को हटा दो ताकि लार्वा उस पर पल ना पाए।
और फिर मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी, समझे? फिर मिलते हैं, बाय। मिसेज शर्मा आज बाहर जाने वाली हैं। आइए देखते हैं छोटे और बड़े क्या करने वाले हैं। एक, दो और तीन, ये आखिरी है, मुझे बस एक टुकड़ा चाहिए। बड़े, ये लो। बच्चों, क्या तुम तैयार हो? हाँ, सब हो गया। तुम कितने प्यारे हो। मुझे आज बाहर जाना है, तुम दोनों घर का ख्याल रखना। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या तीन चीजें बताई थी? हाँ। बढ़िया, तो बताओ बच्चों। ठीक है। पहला काम सेब की टोकरी मिस्टर बंदा को देके आना है। बिल्कुल सही। और दूसरा काम? दूसरा काम है, मुझे पता है, दूसरा काम है कि बबली के घर से जाकर कुछ नींबू ला रहे हैं। बहुत अच्छे। मम्मी, नींबू का स्वाद कैसा होता है? बड़े, तुम भी ना। सुनो, तीसरा काम क्या है? तीसरा काम? ओह, मुझे पता है, हमें घास की चटाई को धूप में रखना है। ये सही है, घास की चटाई से कीड़े निकालना, मुझे पता है। ठीक है, तो अब काम समझ में आ गए, तुम पूरे कर लोगे ना? मैं वादा करता हूँ। मैं भी वादा करता हूँ। रुको, घास की चटाई रखनी कहाँ है? वहाँ। बड़े, चटाइयों को इस जगह धूप के नीचे रखते हैं। ओह, सूरज की रोशनी चली गई। छोटे, हमें क्या करना चाहिए? वहाँ। यहाँ। मैं चटाई को यहाँ खींचता हूँ। मैं थक गया। वहाँ। लगता है खाने का वक्त हो गया। मैं बस एक खाऊंगा। सब हो गया। बड़े, यहाँ आओ। बड़े, ओ, बड़े, तुमने मिस्टर बंता को देने वाले सारे सेब खा लिए। बड़े, ओ, एक सेब भी नहीं बचा। बड़े, अब हम क्या करें? छोटे, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने थोड़े ही खाए। मुझे पता है, हम बबली के घर जाएंगे सबसे पहले नींबू लेने, और फिर वही नींबू हम मिस्टर बंता को दे देंगे। ओ, हम ही नहीं कर सकते, वो मेरे नींबू है, मैंने नींबू कभी नहीं खाए। बड़े, ठीक है, हर समय खाने की मत सोचा करो, चलो जल्दी चलते हैं। छोटे और तेज। हेलो मिस्टर अरोड़ा। हेलो, तुम दोनों कैसे हो बच्चों? मिस्टर अरोड़ा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नींबू के पेड़ों की छटाई कर रहा हूँ। नींबू का पेड़? अच्छा, तो ये है नींबू का पेड़। पर नींबू कहाँ है? क्या ये उनका मौसम नहीं है? परेशान मत हो, दरअसल मैंने सारे नींबू तोड़ लिए हैं। मैंने पेड़ की थोड़ी सी छटाई की है, जिससे कि वो बाद में हमें और नींबू दे सके। और नींबू?
मिस्टर अरोरा, क्या हम नींबू के पेड़ को पानी डालें? हाँ, हम मदद करेंगे आपकी। हो गया, अब देखना पेड़ में और ज्यादा नींबू उगेंगे। छोटे बड़े, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, ये नींबू तुम्हारे लिए है। वाह शुक्रिया। नींबू वाकई में बहुत अच्छा दिख रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ। नहीं, तुम ये नहीं खा सकते, ये मिस्टर बंता के लिए है। बस एक ही चाहिए। मैंने कहा ना, वापस दो। पर छोटे, बस थोड़ा सा, मैं वादा करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं छोटे। क्या वो हमारी घास की चटाई थी? हमारी चटाई, यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, हमारी चटाइयाँ छोड़ दो। भाग जाओ, हटो। चले जाओ, जाओ, ये हमारी चटाइयाँ हैं। हटो यहाँ से, हटो। जाओ यहाँ से, ये हमारी है। छोटे मेरी मदद करो। मैं आ रहा हूँ। सोच लेंगे। सोचने दो। छोटे बड़े दोस्तों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी चटाई जिसमें मैं सोता था, देखो चिड़ियों ने पूरी फाड़ दी है, इतना ही बचा है। अब मैं इसमें कैसे सोऊंगा? तो तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक आइडिया है बड़े, हम एक नई चटाई बनाएंगे। तुम सही हो। पर छोटे कोई सूखी घास नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। पहले दाएं जाओ, फिर बाएं, फिर मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया गुल्लू। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पीछे आओ दोस्तों। बड़े, एक बार हम नई घास की चटाई बना लें तो हमारे आज के सारे काम पूरे हो जाएंगे। हाँ, पर ये किस लिए? बड़े, हम मिस्टर बंता को नींबू देना तो भूल ही गए। नहीं, पर जल्दी अंधेरा हो जाएगा, हम जा नहीं पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? गुल्लू, गुल्लू। बड़े तुम मेरे साथ चलो सूखी घास लेने। गुल्लू तुम हमारे घर जाके मिस्टर बंता को नींबू की टोकरी दे के आओ, तुम्हारा घर भी उसी तरफ है ना। मैं और बड़े घास लेने जाएंगे। चलो चले। गुल्लू हमारा घर उस तरफ है। ठीक है। सब हो गया। बड़े नया बिस्तर देखिए, ये कितना आरामदायक है। नींबू कितना खट्टा है। अच्छा तो नींबू का स्वाद ऐसा होता है। बड़े तुम्हें नींबू कहाँ से मिला? यहाँ नींबू यहाँ है। तो गुल्लू क्या लेकर गया? पता नहीं गुल्लू ने मिस्टर बंता को क्या दिया। आखिरकार मिस्टर बंता के लिए भी कुछ आया है। हैं? सब क्या है, इतने सारे अंडे? नहीं, घर के काम कितने मुश्किल होते हैं। हाय
दोस्तों, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए घर संभालना आसान नहीं होता है। जाओ और उनको एक झप्पी दो और शुक्रिया बोलो। फिर मिलते हैं।